ननक आ गए सुहेब दी साइकिल मसला करन दी बेचारे दा मुंह बनया सवेर दा। वैसे जे लग गया रहा था आपको सियालकोट से साइकिल लेकर कगान पहुंच गए। कल ना चढ़ाइया चढ़ चढ़ के मत बजी थी, बालाकोट से हम लोग कगान पहुंचे, मत बजी हुई थी। सुबह हमसे उठा नहीं गया साइकिल चला चला के। टाइम हो रहा दोपहर के 12:15 का। ये रही हमारी साइकिलें। और पहले हमारा प्लान था कि आज हम लोग इधर ही रुकेंगे, लेकिन फिर प्लान चेंज हुआ। अभी हमारा प्लान है कि निरान चलते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर है। ये देखें जी, अपने रानों को सामने के लिए मैंने एक बंदा रख लिया तैयारी पे। वो हेलो बोलो अपनी रानी सामता मैं अपनी नाम बनावा कर बार। ये था कमरा जिधर हम लोग रात रुके थे भैया। ये है कगान। 12:30 हो गए हैं, अभी तक हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया। तो अभी होटल में रुके हैं नाश्ता करने के लिए। कगान से हमारा नाश्ता पराठे और चने जो रोजाना होता है। इतनी भूख लगी है, सारी तरसियां नगावा ना वेखन दे रोटी वाला। नाश्ता कर लिया, स्वाद आ गया। 1 बज गया और अभी निकलने लगे हैं नरान की तरफ। हम लोग नाश्ता करके निकल रहे थे और बड़े प्यारे भाई मिले की ना तेरा फोन मकसूद चिल्लो सलाम सही हो गया भैया। हम लोग कगान से निकले हैं और हमारा बड़े प्यारे भाई असद भाई मिले हैं कगान से आगे निकल। शुक्रिया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अगर ये व्यू प्यारा लगा तो लाइक जरूर बनता है, ठीक है भैया। माशाल्लाह चेक कर, दिल खुश हो गया। मैं ना साइकिल पे आ रहा था इधर और भाई मुझे नजर आया, मुझे लगा कोई अंग्रेज आया हुआ है। अचानक कहते हैं रानो की बात हो गई है। मैं क्या ये गोरा नहीं है अपने। और सुनाओ रेहान भाई, अल्लाह का शुक्र। तू सुना दे। अल्लाह का शुक्र। तो सुना तुझे। इस वक्त ना हम लोग इस जगह पर खड़े थे, चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा सीन है। जे चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर अभी निकलते आगे नरान की तरफ। लानो मेरी गली गोती है, मैं आ गया वा। सुहेब की साइकिल ना मसला कर रही है। यहाँ पर आगे एक चश्मा आ रहा है, इधर से गुजरना पड़ेगा। पानी बहुत ज्यादा इस चश्मे का। सुहेब की साइकिल फिर मसला कर रही है। नरान के रास्ते में एक टनल भी बन गई है। वाह यहाँ पर अभी तक बर्फ जमी हुई है। उसके अलावा इधर से जो पानी आ रहा है ना वो बहुत खतरनाक है, साइकिल गिरा सकता है। बहिस्मत क्रॉस कर गया, से भी क्रॉस कर गया, मेरी बारी है लास्ट में, अल्लाह ख्याल करे। ये पानी भी क्रॉस कर लिया। सुहेब दी साइकिल मसला करन दी बेचारे दा मुंह बनया सवेर दा, हुण खुश होया थोड़ा जिहा बर्फ नूं वेख के। वैसे जे लग गया रहा था आपको चिट्टा पार। सुहेब कह रहा था पानी आ कहाँ से रहा है इतना ठंडा, हमने कहा बर्फ का, तो फिर वो बर्फ पूछ रहा था वो कहाँ है, सामने बर्फ है। तो अभी कह रहा मुझे ये था ये सफेद पहाड़ है। सुहेब कुछ यकीन नहीं हो रहा बर्फ है, हाथ लगा के चेक कर रहा है। सच्ची मुझे बर्फ जी अगर तुम दस्या है बर्फ फिर भी यकीन नहीं होना, मजाक कर दे। ये भी सारी बर्फ है, वो भी बर्फ है, इधर भी बर्फ है और ऊपर भी बर्फ है। चलिए होना क्या बर्फ है। चलो इतनी बड़ी है। ये सामने आ गया जी काली पहाड़ी, काली मिट्टी का पहाड़। जोश है दिल जोश ज्यादा।
इस वक्त जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं यह है काली मिट्टी का पहाड़, खालस मिट्टी से बना है। अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे हम भाई। इतनी प्यारी जगह है, मेरा नीचे जाने को दिल कर रहा है लेकिन रास्ता नहीं है। ओ भाई खतरनाक, यहाँ पर देखे कितनी आवाज है, उसके अलावा पानी देखे किसी खतरनाक तरीके से आगे जा रहा है। एक और चश्मा आ गया जे, ये वास्ते सड़क बहुत ही टूटी जाएगी। मजा तो एक नंबर इधर आएगा, अगर गिरे फिर भी गए, अगर चलाते हुए गए तो पानी वैसे चढ़ गया बूटू में। अल्लाह इधर किधर आ गया, शूज तो पानी के भर गए हैं आपको दिखाने के। गाड़ी जा रही थी और प्यारे भाई ने मुझे देखा, सब्सक्राइबर अपना और भागता हुआ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मजदार सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने की बना रहा है। हम लोग बटल गांव में पहुंच गए हैं, नरान इधर आ गई है, थोड़ा ही नजदीक है। वाह तुम ही नरान के नाल ही आ गए हैं भाई। नरान हम लोग पहुंचने वाले हैं और ये जो पानी आ रहा है ना वो ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, ऊपर सारे बर्फ है। साढ़े चार हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नरान पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हवा इतनी तेज है कि साइकिल मेरी गिर गई है। ये रहा सामने नरान, माशाल्लाह। नरान पहुंचते पहुंचते कलर देख ले क्या हो गया। ओए ओ तेनू की हो गया मेनू पता तेरा अगे जान को लेकर। ये रही मारी साइकिलें, ये रहे सारे जवान, तो वो रहा सामने नरान। जब हम लोग पहली बार आए थे ना इधर नरान, तो सब लोगों के कमेंट आते थे आप लोग नहीं जा सकते, आप लोग नहीं जा सकते, लेकिन इस बार एक भी कमेंट नहीं आया क्योंकि सबको पता है पुरानी ग्राहक खाती है। सियालकोट जी देखो सारी वाम बर्फ से तुरदी जा रही तानू। यहाँ पर देखें सारी वाम बर्फ के ऊपर चल रही है, इंजॉय करो। उसने क्रीसियाँ मारन रही है। छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं, पहले देख के कह रहे थे देखो साइकिलें किधर आ गई, फिर अचानक कहते हुए आते ब्लॉगर ही हुए वैसे पिंडू ही हुए। फिलहाल चलते हैं क्योंकि शाम हो रही है, जाकर रूम ढूंढना और मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई है। आप देखते हो मुझे मजा आता है, शुक्रिया। हम लोग नरान एंटर में हैं और ये प्यारे से सब्सक्राइबर मेरा इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल ठीक ठाक सर जी, अच्छी गल। पेंडू टीम होटल ढूंढती हुई, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, होटल लाभ दे पे जी भाई। जरा नरान पहुंच तो गए हैं लेकिन रेट है भी 15,000-20,000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ 2,000-3,000 ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਉਹ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਬੈ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਤੁਰ ਪੈ ਅੱਗੇ। ਰੂਮ ਢੂੰਡਦੇ ਹੋਵੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਭੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਉਧਰ ਖੜੀ ਕਰਤੇ ਹੈ।
और फिर सबसे पहले मोबाइल चार्ज करते हैं, बाकी काम उसके बाद। चल नहीं रहा नहीं उसा तेरिया बाबा पीपा पर घर ला रहा वजह मामा तोर छा अज क्या ही अगू गल ना कहीं ओए मुंह बंद रख शट अप कमीज ना ओए अजमत बे बे अजमत राज गोड़ियां जान दियां मेनू वाले कहंदे चाच जोगी एक रह चली गोड़ी अजमत में चीज खान ना ले ए ए कहंदा फड़ ले एक तो मारे को हमारा उन्हें उन्होंने ही गल पास ना करे मनी मनी गो गो मस्त पोर उन्हें कहना कम हियर उन्होंने साइकिल चलाने ली देनी कहना चलो आज गो गो चले चले भाई यार ये है हमारा कमरा एक वो बेड है एक ये बेड है और एक मैटलेस हो जाएगा ये हमारा सामान पर है और ये हमारी साइकिलें अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं नहा धो लिया कपड़े पहन लिए हैं अभी चलते हैं शाम की रोटी खाने शाम के खाने में हम लोग खाने लगे हैं बिरयानी ये अकेली बिरयानी खाई है 4000 बन गया शुक्र करो कराई नहीं मंगाई नारायण हम लोग पहुंचे हैं और इधर हमारे एक बड़े प्यारे सब्सक्राइबर मिले हैं अहमद रजा भाई और सबसे मजेदार बात इधर ये रेस्टोरेंट इनका लेकिन फिर भी ये रसगुल्ले बेच रहे हैं क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं मेरी तरह हाँ डराम की बेलियां नहीं खाना चाहते तो माशाल्लाह ये बात मुझे इतनी प्यारी लगी है ना यार लव यू हो गया सही गल है ना मेरे पिता रेस्टोरेंट तो मैं करूँ इन्हें नहीं करना वेला सारी प्यारी गरम जाइए खैर मूह भावे सर के खा दे लिया सबूता नहीं खाना सबूता यार हमारे कमरे में ना दो बेड हैं एक ये बड़े वाला बेड है और एक वो वाला बेड है और एक नीचे मैटलेस है मैं तेन की कहना चलो तुम तीन बंदे उठ लेट जाना एक बंदा इतना तंग मुझे होना चाहिए सारी रात बिस्तरे में सोने नहीं देखा और फिर मुझे क्या है वो तो समझ गए मैं किसी ने पहला क्या है यार बाबा की सरपंच शोभा ही नहीं दिंदा क्या काम करे जेड़ा तुसीं कर दिता सरपंच दा काम है नाल दे उन्हें सिखाना सिखूना सीखना ते नाल दे सिखण दा फेर ना टूर पे आए हैं इनको साथ लेके आए हैं और अभी नारायण पहुंचे हैं एक ही बात आप ही ड्राई फ्रूट खाने जो टूर चाहते हो सानू एक बारी नहीं खवाया आप ही ड्राई फ्रूट खाते हो हमने कहा यार तब सर्दियां थी लेकिन फिर भी एक ही बात करी जा रहे थे तो अभी हम लोग इनके लिए ड्राई फ्रूट लेकर आए हैं खरमानी खरमानी अंजीर ये की टांगड़ियाँ एक और चीज़ ही एक चीज़ कट है देखा ही पता मैं गेन के लिए आनी जाने तुम्हें डल खाओ और अखरोट ऐसा कुछ खा के फिर राजी हो ना साढ़े से राजी हाँ आधा पैकेट खरमानी का खा गया हमजा और अब पूछ रहा है की है चमर जी है अभी अखरोट ना नीचे पत्थर के साथ तोड़ के खा रहे हैं मशहूर सेब और उतला फ्री खा रहे हैं इनसे मांग मांग के नहीं होता ना तो रंडिया भाई यहाँ सेब की साइकिल ना बहुत ज्यादा तंग कर रही है
आगे है बिचराइयां, आगे जाना और मुश्किल है। सेब को साथ लेके जाएं या ना जाएं, अगर भेजना है तो सेब के साथ किसको वापस भेजें या इस तरह। तो अभी हम लोग बैठेंगे, प्लान करेंगे, फिर देखते हैं, क्या पता सबका प्लान बन जाए वापसी का, क्या पता अकेला सेब जाए या फिर सेब के साथ कोई और जाएगा। उसके अलावा हम लोग बीमार पर है, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।